हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके लिए पटवार भर्ती को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और साथ ही वीडियो भर्ती के लिए भी एक अपडेट आ रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिलेगी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पटवार भर्ती नॉमिनेशन की प्रक्रिया के नाम पर छात्रों में बोर्ड के में बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके खिलाफ मजबूती से 28 तारीख को लड़ाई लड़ी जाएगी। सभी साथी तैयार रहे। दोस्तों, जो आपको चौथी शिफ्ट के साथ पटवार भर्ती वालों के लिए जो अन्याय किया गया है, उसको लेकर 28 तारीख को एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी और उसके खिलाफ एक आंदोलन किया जाएगा। इसको लेकर आपको तैयार रहने के लिए कहा गया है। और साथ ही यदि हम अगली अपडेट की बात करें, तो इसमें भी पटवार भर्ती नॉमिनेशन के रद्द को लेकर मांग की गई है। और साथ ही एक और ट्वीट आ रहा है, जिसमें कहा गया है कि पटवार भर्ती में नॉमिनेशन की प्रक्रिया के नाम पर छात्रों को बोर्ड ने ठगा है, उचित कदम उठाए जाएंगे। और दोस्तों, यदि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात की जाए, तो आपको पता होगा आपके 21 फरवरी से आपके स्टार्ट हो चुके हैं और 31 मार्च तक इनकी लास्ट तारीख है। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको पटवार भर्ती से बारे में अपडेट बता दी कि आखिर ट्विटर में क्या क्या चल रहा है। तो दोस्तों, अब मैं आपको वीडियो भर्ती के बारे में भी कुछ बता देता हूँ। तो दोस्तों, आपको पता होगा 24 तारीख को एक आया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें कहा गया था आपके पदों की संख्या 1500 और बढ़ गई है, जिससे आपके कुल पदों की संख्या 5396 हो गई है। यानी कि दोस्तों, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जब आपके 1500 पद बढ़ गए तो आपके कट ऑफ की भी बहुत ही कम रहने की संभावना है। तो दोस्तों, मैं आपको एक 2016 की ग्राम विकास अधिकारी की कट ऑफ बता रहा हूँ, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी एरिया में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 45 रही थी, एससी कैटेगरी की कट ऑफ 36 रही थी, एसटी की 36, ओबीसी की 44 रही थी। और यदि हम टीएसपी एरिया के बारे में बात की जाए, तो इसमें जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 37 रही थी, एससी की 33, एसटी की 26 रही थी। और दोस्तों, इस वीडियो को आप पॉज करके भी पूरी डिटेल्स के साथ देख सकते हैं कि आखिर कैटेगरी की कट ऑफ और कितने नंबर क्या क्या रहे थे। और दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसकी कट ऑफ बहुत ही कम रही थी। इसका कारण मुख्यतः यह है कि इसमें जो 2016 का पेपर हुआ था, इसमें दो पेपर हुए थे, पहला पेपर और दूसरा पेपर, इस वजह से इसकी कट ऑफ बहुत ही कम गई थी। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपने ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम दिया है, उसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों, आपको पता होगा आपके 1500 पद बढ़ गए हैं, तो आपके कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये दोस्तों अनुमानित कट ऑफ है, जिसमें जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 50, ओबीसी की 45, ईडब्ल्यूएस की 45, एमबीसी की 40, एससी की 38, एसटी की 38। और साथ ही यदि हम देखें कि एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 33 से 38 के बीच में, स्पोर्ट्स कैटेगरी की कट ऑफ 36 से 38 के बीच में, विडो कैटेगरी की कट ऑफ 34 से 38 के बीच में रहने का अनुमान है। तो दोस्तों, आप कट ऑफ के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपकी कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है। और साथ ही दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपकी कट ऑफ बढ़ेगी या नहीं। दोस्तों, आपके 1500 पद बढ़ गए तो आपके निश्चित रूप से कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी। और दोस्तों, आपके मन में ये भी प्रश्न होगा कि बोनस अंकों का फायदा देखने को मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों, बोनस अंकों का फायदा इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कितने प्रश्न डिलीट हुए, उस हिसाब से आपको बोनस अंकों का फायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए थे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।